मुद्दे पर आज हम आपसे खास बात करने वाले हैं, उस मुद्दे के बारे में दर्शकों को जरूर बता दें। अब मैं आपको ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के पीछे जातीय गणित की बिसात दिखा देता हूं। यूपी में 54% ओबीसी आबादी है ऐसा माना जाता है, और इसमें किस पार्टी की कितनी भागीदारी है यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं जो आंकड़े दिखा रहा हूं उसका स्रोत यूपी सामाजिक न्याय समिति 2001 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या गणित है अब आप जरा उसको समझिए। जातिगत वोट बैंक में बिसात की अगर बात करें तो ओबीसी आबादी 54% की यह आबादी बनती है। आप देख सकते हैं इसमें यादव 19.40%, कुर्मी 7.46%, लोध 4.90%, गडरिया 4.43%, निषाद 4.33%, अंसार 4.15%, तेली 4.03%, जाट 3.6%, प्रजापति 3.42%, कश्यप 3.31%, शाक्य 3.32%, नाई 3.01%, राजभर 2.33%। ये आंकड़ा है और इसका स्रोत भी हमने आपको बताया। अखिलेश यादव की नजर ओबीसी जातियों पर है जिसका पूर्वांचल में बड़ा वोट बैंक है, इसलिए इस कार्ड को इतनी मजबूती से सपा बार बार उछाल रही है। अब मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि समझा देता हूं कि आखिर अखिलेश यादव को यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों लग रहा है, सपा को यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों लग रहा है। जातीय जनगणना का यह कार्ड क्या है इसको समझिए। 2021 की जनगणना में जाति को आधार बनाने की विपक्ष की मांग थी। 2011 की जनगणना में लिए गए थे जाति के आंकड़े, यूपी और एनडीए सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया था। 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा में सरकार ने इस पर जवाब भी दिया, जातीय जनगणना के रफ आंकड़े उपलब्ध लेकिन इस्तेमाल के लायक नहीं, पुराने हो गए हैं ये रफ आंकड़े इसलिए जारी नहीं किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह जवाब दिया था। सरकार का जवाब देखिए, महापंजीयक ने कई तकनीकी समस्याएं बताई हैं। सरकार का जवाब है कि डेटा बहुत पुराना है इसलिए इस्तेमाल लायक नहीं है। केंद्र सरकार के बयान को सपा ने भुनाया। जातीय जनगणना की मांग को चुनावी मुद्दा समाजवादी पार्टी ने बनाया। भाजपा लगातार यह दावा करती आ रही है कि ओबीसी वर्ग की सबसे ज्यादा फिक्र अगर कोई पार्टी करती है तो वो भाजपा है। दावे के साथ भाजपा सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जिससे ओबीसी को लुभाने का बड़ा कदम माना गया, इसलिए विपक्ष ने एक मारक कार्ड की तलाश की और ये जातीय जनगणना की पुरानी मांग को फिर से उछालने पर जाकर खत्म हुई। देखिए, मोदी सरकार ने ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक पास कराया, कानून पर मुहर लगने के बाद राज्यों को बड़ा अधिकार मिला, ओबीसी लिस्ट में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिला। भाजपा इस दांव से ओबीसी के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर थी। विरोधी दलों ने जातीय जनगणना की मांग का दबाव बढ़ाया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग।